गर्मियों के मौसम में 6 रिफ्रेशिंग कूल समर ड्रिंक्स आप जब भी बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे, और जब भी अचानक से गेस्ट घर पे आ जाएं तो आप इन्हें फटाफट से बना सकते हैं और उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में 6 अलग समर ड्रिंक्स को बनाते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, फ्राइडे किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं नम्रता। तो आज की मज़ेदार रेसिपी हम शुरू करते हैं। मसाला छाछ बनाने के लिए हम ग्राइंडिंग जार में 2 चम्मच दही डालेंगे। हमें यहाँ पर दही का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जो छाछ का ताक होता है वो पतला होता है। अब यहाँ पे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। उसके बाद 1/2 छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा डाल देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। फिर इसके बाद हम आइस क्यूब डाल देंगे 2। इसके बाद हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और फिर हम इसमें 1/2 छोटे चम्मच काला नमक डाल देंगे, और इसके बाद हम जार का ढक्कन बंद करके इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी छाछ बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे 1 सर्विंग ग्लास में कर लेंगे। आप इसे गर्मियों के दिनों में दोपहर के खाने के साथ 1 गिलास छाछ आप जरूर पिए। इससे खाना इजीली डाइजेस्ट भी होता है, साथ ही साथ पेट को ठंडक भी पहुंचती है। तो ये हमारी समर टेस्टी मसाला छाछ बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। तो रोज़ लस्सी बनाने के लिए हम यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार में 1 कप दही डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हमें रोज़ पेटल्स डाल देंगे यहाँ पर। फिर हम इसमें 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप कम मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो। 2 आइस क्यूब डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर पानी डाल देते हैं। अब हम जार का ढक्कन बंद करके और इन सभी को ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी रोज़ लस्सी बनकर तैयार है। 1 सर्विंग ग्लास ले लेंगे और यहाँ पर हम अपनी लस्सी को ग्लास में कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर 1 आइस क्यूब डाल देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर ये रोज़ पेटल्स डाल देंगे, और ये कटे हुए बादाम है हम इसके ऊपर डाल देते हैं, और यहाँ पे हम केसर डाल देंगे थोड़ी से। ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपके पास रोज पेटल्स ना हो तो आप इसकी जगह रूह अफ़ज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसे प्लेन लस्सी बना सकते हैं। अगर आपको टेस्ट और लुक को थोड़ा इन्हेंस करना है तो ऐसे बनाएं। सिकंजी बनाने के लिए 1 ग्राइंडिंग जार में ये पुदीने के पत्ते डाल देंगे। ऐसे हाथों से तोड़कर डाल दें। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच काला नमक डाल देंगे, और अब हम इसमें 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। दो आइस क्यूब डाल देंगे। जार का ढक्कन बंद करके इन सभी को ब्लेंड कर लेंगे। गर्मियों के दिनों में घर पर सिकंजी ना बने ऐसा हो नहीं सकता, और अगर हम बाहर जाते हैं कहीं तो ये सिकंजी हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। हम यहाँ पे 1 सर्विंग ग्लास में अपनी ये सिकंजी कर लेते हैं, और ये 1 नींबू मैंने डाल दिया है और आइस क्यूब, और यहाँ पे मैंने ये पुदीना लगा दिया है ऐसे, कि हमारा ग्लास अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे हमारी ठंडी ठंडी सिकंजी बनकर तैयार है। आप इसे गर्मियों में एंजॉय करें, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। गुड़ का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर हम गुड़ को बारीक काट कर ले लेंगे, या फिर आप गुड़ का पाउडर ले सकते हैं।
अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हम चाट मसाला डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आधी छोटी चम्मच काला नमक और एक आइस क्यूब और यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन बंद करके इन सभी को ब्लेंड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे सर्विंग ग्लास में अपने गुड़ के शरबत को कर लेंगे। गुड़ का शरबत यहाँ पर डाइजेस्ट सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब हम यहाँ पे एक पुदीने के पत्ते को ऐसे हाथों से तोड़कर ग्लास में डाल देते हैं, एक आइस क्यूब डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा गुड़ का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। आप गुड़ के शरबत को एक बार ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। खीरे का जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक खीरा लिया है और उसे मैंने छील लिया था और ऐसे कट कर लिया था। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे और छोटी ही चम्मच भुना हुआ जीरा। उसके बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे और ये 1 चम्मच यहाँ पे हम नींबू डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पुदीने के पत्ते डाल देंगे और 2 आइस क्यूब डाल दें और यहाँ पे पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करके इन सभी को ब्लेंड कर लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ, खीरे का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ इसमें बीटा कैरोटीन जैसे ऑक्सीडेटर्स पाए जाते हैं जिससे शरीर में मौजूदा फ्री रेडिकल्स दूर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा खीरे का जूस बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मियों में ज़रूर बनाएं। इसमें काफ़ी सारा पानी होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है और वैसे भी मार्केट में खीरा काफ़ी आ रहा है, तो इसको रोज बनाएं और रोज पिएं। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको खीरे का जूस कैसा लगा। मिंट लेमन सोडा बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 गिलास लेंगे और उसमें 3 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे। आप यहाँ पर नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं, पानी में पिघलाकर डाल सकते हैं यहाँ पर। और फिर हम यहाँ पर आधा कटा हुआ नींबू डाल देंगे। उसके बाद पुदीने के पत्ते को ऐसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे। अब हम यहाँ पर आधी छोटी चम्मच काला नमक डाल देंगे। उसके बाद आधी छोटी चम्मच यहाँ पर हम नॉर्मल नमक डालेंगे और इन सभी को ऐसे क्रश कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, यहाँ पे मैं भूल गई थी, और इसको भी क्रश कर लेंगे। उसके बाद हम 3 बड़े चम्मच यहाँ पे हम नींबू का रस डाल देंगे। अब हम यहाँ पे सोडा वाटर डाल देंगे। उसके बाद इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे हमारी चीनी नमक जो भी इसमें हमने डाला है वो अच्छे से मिल जाए। 2 आइस क्यूब डाल देंगे। अब हम यहाँ पे पुदीने के पत्तों को ऐसे लगा देंगे जिससे हमारा सर्विंग ग्लास और भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम नींबू लगा देंगे ग्लास पर। तो यहाँ पर हमारा मिंट लेमन सोडा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और रिफ्रेशिंग तो ये करेगा ही आपको। तो यहाँ पर हमारी 6 रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स बनकर तैयार हो चुकी हैं और इन सभी ड्रिंक्स को बड़े क्या बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मेरी समर ड्रिंक्स की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। और इन समर ड्रिंक्स को एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं कि आपकी ये समर ड्रिंक्स कैसी बनी है।